अस्सलाम वालेकुम आयफा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर तस्लीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब तो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी मिल गया, तो वोट देने के लिए तैयार हैं? पता क्या, हम लोग सोचते हैं, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम तो है ही नहीं, तो इसलिए उनको लगता है इलेक्शन एक्सरसाइज और ये सब इलेक्शन की बातें टाइम वेस्ट है। कुछ हद तक ये बात सही है, हमारा निजाम 75 साल से जिस तरह का रहा है, लेकिन बात यह कि अगर हम अपना हिस्सा ना डालें तो फिर हम किस हक से शिकायत करें कि निजाम ठीक नहीं हो रहा? ये बात है। मगर इससे होगा क्या? क्या फायदा होगा? लोगों को क्या फायदा होगा? पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा? देखिए ना, जैसे पिछली दफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो लोगों को सेहत कार्ड मिला, बगैर सूद के कर्ज मिला लोगों को, ना सिर्फ स्कॉलरशिप स्टडीज के लिए मिला, गरीबों को घर बनाने के लिए मिला। फिर आप देखें कि इंसाफ का एहसास का जो पूरा प्रोग्राम था वो अमेजिंग था उसमें। फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से पनाहगाहें और ये सब कुछ बनाया गया, कोविड को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। तो अब जब अपनी चॉइस के नुमाइंदे चुनेंगे तो ये वाली चीजें आपको फिर मिलेंगी। That's true. मगर इस वक्त आवाम इतनी पिसी हुई है, क्या अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो इमरान खान और तमाम कैदी रहा हो जाएंगे? देखिए, जब इंशाल्लाह जब निजाम बेहतर होगा और इंसाफ का निजाम इंशाल्लाह कायम होगा, तो फिर क्यों बिना वजह लोगों को घरों से उठाया जाए? कानून की एप्लीकेशन होनी चाहिए, जहां पे कानून लागू होता है वो होना चाहिए। लेकिन इस तरह किसी को जबरी कैद में रखना या लोगों को अगवा कर लेना बगैर किसी केस के, ये तो सही नहीं है। और इसी निजाम के लिए तो हमने लड़ना है। इंशाल्लाह जुल्म का बदला वोट से। वोट जुल्म का बदला वोट से। ही बदला लेगा अब, जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से।